नमस्कार, मैं आपका सेवक मिहिर कोटेचा। आज 28 जून रात 9 बजे तक मुंबई में 608 नए केसेस आए हैं। मुलुंड की बात करें तो पूर्व और पश्चिम मिलाकर के 25 नए केसेस आए हैं। आज सोमवार ज्येष्ठ नागरिकों के लिए महानगर पालिका के सभी सेंटर्स पर वॉक इन पद्धति से वैक्सीन दिए जाने थे। काफी ज्येष्ठ नागरिकों ने आज मेरे दफ्तर आकर शिकायत की कि वो 2-3 घंटा लाइन में खड़े थे और उनको वैक्सीन नहीं मिला। मैंने हमारे वार्ड ऑफिसर गांधी साहब एवं महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त स्वास्थ्य सुरेश ककाणी जी से बात करके ज्यादा स्टॉक आज मुलुंड को दिलवाया है, तो कल किसी भी सेंटर पर आपको वैक्सीन की कमी की दिक्कत नहीं आएगी और आशा करता हूं सभी ज्येष्ठ नागरिकों को कल वॉक इन में वैक्सीन मिल जाएगा। थर्ड वेव को लेकर के आज मेरी मुलाकात हुई थी हमारे वार्ड ऑफिसर के साथ और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हमारे ऑक्ट्रॉय नाका स्थित आईसीयू फैसिलिटी में बच्चों के लिए भी आईसीयू का काम शुरू कर दिया गया है। तो अगर थर्ड वेव आती है तो हमारे पास बच्चों के लिए भी आईसीयू बेड्स उपलब्ध ऑक्ट्रॉय नाका पर होंगे। मुंद्रा हॉस्टल एवं केलकर कॉलेज में नागरिकों को कंफ्यूजन है कि वह खुला है कि बंद है। मैं सभी को बता दूं, 4 जुलाई तक मुलुंड पूर्व में केलकर कॉलेज, मुलुंड पश्चिम में मुंद्रा हॉस्टल, ये दोनों सेंटर्स पर सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वैक्सीनेशन वॉक इन स्पॉट रजिस्ट्रेशन द्वारा उपलब्ध है। ₹780 इसका शुल्क है। आप सभी सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।